जमशेदपुर में जल जीवन मिशन के तहत शनिवार को जिला मुख्यालय से एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले के उपायुक्त ने रवाना किया। यह रथ गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार वर्ष 2024 तक घर घर स्वच्छ पेयजल नल के जरिए पहुंचाने का लक्ष्य तय की है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2024 तक जमशेदपुर के हर घर, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र का, हर घर में नल के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का मिशन है, जिसकी शुरुआत पिछले माह के 15 तारीख से कर दी गई है। जागरूकता रथ के जरिए इस मिशन की जानकारी अगले 12 दिनों तक तमाम शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के निवासियों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर घर नल का जल अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में, वो घर शहर का हो या गांव का हो, हर एक घरों में नल का जल का पानी हम लोगों को उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में एक विशेष अभियान 15 तारीख तक चल रहा है, जिसमें प्रत्येक प्रखंड से एक ग्राम हम लोगों को चूज करके उसमें विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाते हुए उसके अंतर अग्रेतर उसमें हर घर को नल के जल के माध्यम से जोड़ने के अभियान की शुरुआत करनी है। इसी क्रम में ये शुरुआत हो रहा है। आज जागरूकता रथ का हम लोगों ने रवाना किया है, कल विशेष ग्राम सभा आयोजित करके हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया था। इसी के साथ अगले 12 दिनों तक अलग अलग एक्टिविटीज़ डिसाइडेड हैं, जिसमें कि लास्ट में गांव के लोग अपने विलेज की रिसोर्स मैपिंग देखते हुए एक अपना प्लान तैयार करेंगे, जिसके तहत उन गाँवों में हम लोग हरेक घरों में नल का पानी पहुँचाएंगे और 2024 तक समस्त घरों का आच्छादन करने की योजना है। उसी को शुभारम्भ है।